पहले भी आपको बताया गया था दिवाली की छुट्टियों के पहले आर ओ आर ओ की वैकेंसी आ सकती है, पहले भी प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको, प्रीवियस वीडियो में कारण भी बताए थे किन रीजंस की वजह से आपकी वैकेंसी लेट होगी, प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, फिर भी बता दे रहा हूँ। प्रमोशन की वजह से आर ओ की वैकेंसी कम हो गई है, ए आर ओ की वैकेंसी ज़्यादा हो गई है। आर ओ इलाहाबाद हाईकोर्ट का चूंकि एक पैटर्न रहता है कि आर ओ आर ओ के साथ एक वैकेंसी निकालता है, तो वो सी ए की वैकेंसी होगी। ए पी एस पी एस का अभी तक मामला शांत नहीं हुआ है, ठीक है, ये बात है। तो दिवाली की छुट्टियों के पहले आपकी आर ओ आर ओ की वैकेंसी आएगी। दूसरा, ए आर ओ की वैकेंसी 270 से 300 के बीच रहेगी, टोटल वैकेंसी 320 से लेकर 350 तक रहेगी, और बाकी 270 से 300 के बीच ए आर ओ की रहेगी, बाकी रिमेनिंग आर ओ की और सी ए की वैकेंसी होगी। सी ए की वैकेंसी ना के बराबर है, 10-15 के आसपास होगी, ठीक है। जो ये पता चला है आज तक वो आपको मैंने बता दिया है, ठीक है, तो इंतजार कर लीजिए। हालांकि कई जगह से कुछ सोर्सेस तो ये पता चल रहा है कि हो सकता है दशहरा की छुट्टियों के पहले आपकी वैकेंसी आ जाए, लेकिन चांसेस ज़्यादा है कि दिवाली की छुट्टियों के पहले आपकी वैकेंसी आएगी, तो ये मुझे पता चला है। चूंकि एक पैटर्न है इलाहाबाद हाईकोर्ट का कि एग्जाम बहुत जल्दी लेता है, आपने देखा होगा ग्रुप सी ग्रुप डी का 14 दिन का, मतलब 2 हफ्ते का दिया फॉर्म फिल करने को, 10 दिन बाद एग्जाम करा लिया, तो इसीलिए बोला जा रहा है कृपया करके पढ़ाई करिए। और आप लोग बेल आइकन प्रेस नहीं करते हो, इसलिए मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे स्किप हो जाती है, और लगातार आप बार बार सवाल पूछते हो, तो कृपया करके जो भी पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अगर आपको गाइडेंस चाहिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट से रिलेटेड रेगुलर वीडियोज अपडेट्स चाहिए, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि आपके टेलीग्राम चैनल में काम की बात अभी आगे बताऊंगा क्या किस लिए आपके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपको कोई भी सवाल हो आपके मन में, नीचे कमेंट सेक्शन लिखा होगा, कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को लिखिए, नेक्स्ट वीडियोज में आपके सवालों का मैं समाधान करूंगा। तो जो 23 तारीख को क्विज हुआ था उसमें हम लोग टॉपर के मार्क्स देख लेते हैं। टॉपर के मार्क्स 83 मार्क्स हैं, हालांकि काफ़ी इस वाले पेपर में मैंने कट ऑफ 75 रखी थी, ठीक है, 75 नंबर मैंने कट ऑफ रखी थी, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स अच्छे आए हैं, लेकिन जिसने टॉप किया है उनके मार्क्स 83 हैं। नाम क्या है? दीपा धमेजा, ठीक है। इसी तरह एक स्टूडेंट और हैं, उसके 81 मार्क्स हैं मैंने देखा था, तो ये क्या नाम है, प्रियंका, सॉरी आर एस, ये देखिए आर एस दिख रहा होगा, इनके भी 81 मार्क्स हैं, तो ये भी मार्क्स अच्छे हैं। उसी तरह एक विनीत यादव है, इनके भी 81 मार्क्स है, तो ये 23 तारीख वाला है रिजल्ट। उसी तरह 22 तारीख वाले रिजल्ट में ऋषभ जैन, क्योंकि मैंने उसमें 70 नंबर कट ऑफ रखी थी, ऋषभ जैन के 74 नंबर है, तो लगातार स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स मिल रहा है, और ये आपको हमारा टेलीग्राम चैनल दिख रहा होगा। देखिए इसमें 2-3 प्रश्नों में स्टूडेंट्स को दिक्कत थी, क्योंकि उनको सॉल्यूशन चाहिए, तो मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ। सबसे पहले आप ये सवाल देखिए, ये मेरा फेवरेट सवालों में से एक है, क्योंकि देखिए इसका उत्तर सभी को आता है, लेकिन आप लोग अपनी जल्दीबाजी के चक्कर में टिक करके निकल जाते हो, और आपको लगता है कि आपने आंसर सही किया। विच लैंग्वेज इज रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहाँ पे सिर्फ एक कीवर्ड है, नेशनल, राष्ट्रीय। राष्ट्रीय सुनते ही आपके दिमाग पे आंसर आना चाहिए कोई नहीं, क्योंकि संविधान ने राष्ट्रीय भाषा का दर्जा किसी को दिया ही नहीं, क्योंकि यही तो विवाद चल रहा है। अगर हिंदी को बनाएंगे तो साउथ वालों को दिक्कत हो जाएगी, इसलिए ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया, नेशनल लैंग्वेज का दर्जा किसी को नहीं दिया गया। तो आपको उत्तर क्या लगाना है? आपको उत्तर नन ऑफ दीज लगाना है, ठीक है। तो ऐसे सवालों से आपको बचना है, ध्यान दीजिएगा। वो तो बात अलग है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन ऐसे सवालों से आपको बचना है, यूपीपीएससी आर ओ आर ओ या यूपीपीएससी एपीएस, ठीक है, जिसमें नेगेटिव मार्किंग, आपको ऐसे सवाल पूछना है। एक सवाल उसी तरह और था, ये जो सवाल है इसका आंसर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का सही हुआ, लेकिन इसका सॉल्यूशन चाहते हैं। देखिए सिंपल, ये भी बहुत सिंपल सवाल है, ठीक है। जो आपकी ASCII की होती है उसमें प्लस की जो वैल्यू होती है वो 43 होती है। अब आप ये 43 वैल्यू है, अब आप इसको कन्वर्ट करके देखिए डेसिमल फॉर्म, ठीक है, ये मतलब 43 वैल्यू को अब आप ब्रेक करके देखिए कि उसको ब्रेक कैसे करते हैं, ठीक है। बाइनरी फॉर्म में आप उसको ब्रेक करोगे, 43 आपकी डेसिमल वैल्यू होगी, जब आप बाइनरी फॉर्म में ब्रेक करोगे तो कैसे निकलता है? पहले आपका होगा 2 की पावर 0, फिर इनटू अगर 1 होगा, जैसे मान लीजिए इसका आंसर क्या, ठीक है, इसका आंसर आपको ये दिख रहा होगा, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे कैसे सॉल्व करोगे, 2 की पावर 0 इंटू 1, क्योंकि 1 लिखा हुआ है, उसी तरह 2 की पावर 1 इंटू 1 लिखा हुआ है, फिर उसी तरह 2 की पावर 2 इंटू 0, क्योंकि यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, फिर 2 की पावर 3 इंटू 1, क्योंकि 1 लिखा हुआ है, फिर 2 की पावर 4 इंटू 0 आ जाएगा, फिर 2 की पावर 5 इंटू 1, तो 2 की पावर 5 इंटू 1 कितना हुआ, 32, 2 की पावर 3 इंटू 1 8, 2 की पावर 1 इंटू 8 2, फिर ये 1, तो जो हमने इसको ऐड किया तो क्या आया, 32 + 8 + 2 + 1 = 43, ठीक है, क्योंकि ASCII में 43 जो प्लस की वैल्यू होती है वो 43 होती है, ये हमको याद करना है। लेकिन इसने डायरेक्ट आंसर ना पूछ के इसने पूछ लिया, 1 से 2 सवाल इसने कन्वर्ट किए। तो देखिए ऐसे ही सवाल मैं आपको देता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल में, ऐसे ही सवाल देता हूँ, ठीक है। तो जो लोग रेगुलर टेस्ट सीरीज दे रहे हैं उनको पता होगा कि ऐसे सवाल हमारे चैनल के माध्यम से दिए जाते हैं, और आपकी पूरी तैयारी कराई जाती है। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स दी हुई है। रेगुलर आपको मैं इसमें टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ, दोनों भाषाओं में दे रहा हूँ, सभी विषय को मैं कवर करता हूँ। एक सवाल का सॉल्यूशन स्टूडेंट्स और कह रहे थे, ये सवाल दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन था कि राकेश और राजेश थे, इन्होंने एक साथ, राकेश ने 10 बॉल खरीदी और राजेश ने 10 रॉकेट खरीदी, ठीक है। राकेश ने 1300 रुपये स्पेंड किए और राजेश ने 1500 रुपये स्पेंड किए, और एक कंडीशन दे दी है कि जो रैकेट की कॉस्ट है, रैकेट की कॉस्ट 3 गुना है
बॉल के, मान लीजिए बॉल एक्स है तो रैकेट कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो देखिए अगर आपके पास समय ज़्यादा है तो आप सिंपल मैथमेटिक्स लगा सकते हो, लेकिन अगर कोई बंदा स्मार्ट होगा वो कैसे करेगा, जैसे मान लीजिए आपकी जगह पर मैं होता कैसे करता, 1300 और 1500 दोनों को ऐड किया तो 2800। अब हमको ऐसे सवाल करना है, हमको सारे ऑप्शंस में रख के देखना है, हमको ऐसे ऑप्शन को चुनना है कि दोनों को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू 2800 ही आनी चाहिए। कैसे, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए अगर बॉल 70 रुपए की है तो रैकेट कितनी हो जाएगी, 210 की होगी, क्योंकि 73 का क्या होता है 21, तो 70 × 3 क्या हो गया, 210 हो गया। अब चूंकि 10 रैकेट थे तो ये कितना हो गया, ये 2100 हो गया, 10 बॉल भी थी तो 2×10 किया तो ये 700 हो गया, तो 700 प्लस 2100 2800 हो गया। तो अगर 70 रुपए की बॉल होगी तो रैकेट 210 रुपए की होगी, और इसमें क्या पूछा हुआ, इसे पूछा है व्हाट इज द प्राइस ऑफ आर रैकेट, एक रैकेट की, तो 21, ठीक है, क्योंकि 21 मतलब 210, ठीक है, 210 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह के जब भी सवाल आए तो इसमें आप समय मत बर्बाद किया करिए, आप ऑप्शन रख के देखा करिए, ठीक है। तो देखिए ये आपको हमारा टेलीग्राम चैनल दिख रहा होगा और आप लोग इसको फायदा उठा सकते हैं इसका, इसमें रेगुलर मैं आपको टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ, इकोनॉमिक्स हो गया, एनवायरमेंट हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, यूपी स्पेशल हो गया, ये देखिए ये आपको स्टडी मटेरियल भी दिख रहे होंगे, ये इकोनॉमिक्स की बुक, ये एनवायरमेंट की बुक मैंने दे दी, कंप्यूटर के आपको सवाल मिलते हैं, ठीक है, करंट अफेयर आपको मिलते हैं, तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं, रेगुलर टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, इस पर टॉपर के मार्क्स भी आपको मैं बताता हूँ, आपको पे कुछ नहीं करना है, ठीक है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के हिसाब से UPSC RO APS के हिसाब से इसमें आपको सवाल दिखते हैं, लेवल मैंने इसमें आप लोग खुद ही बताइएगा जो एग्जाम देते हैं कि लेवल कैसा है, कोशिश तो मैं यही करता हूँ कि लेवल अच्छा हो, ठीक है। तो आप लोग उसका फायदा उठा सकते हैं, लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की, आप दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं और आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी ज़्यादा सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर करवा सकते हैं और हमारे साथ तैयारी करिए और बिल्कुल मोटिवेट होकर पढ़ाई करिए, क्योंकि आपकी वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, काफ़ी दिनों बाद मुझे टाइम मिला और मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग उन स्टूडेंट्स के साथ जो निराश हो चुके हैं, जिनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, जो फाइनेंशियली बहुत वीक है, उनके साथ हमारे टेलीग्राम चैनल आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें स्टडी मटेरियल में फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ दे रहा हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नोटिफिकेशन स्किप ना हो आपसे। इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद।